जयपुर में कांग्रेस की बैठक और लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी। दीपक बैज की अगुवाई में बैठक, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। चुनावी रणनीति पर भी इसमें मंथन होगा। इस बैठक को इस तरह से भी हम अहम समझ सकते हैं कि 11 लोकसभा की सीटें हैं और इसी के मद्देनजर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 11 की 11 लोकसभा सीटों को जीतना है। रणनीति तैयार की जाएगी, चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा, क्षेत्रों को लेकर चर्चा की जाएगी, अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं नेताओं को। दीपक बैज की अगुवाई में इस बैठक का आयोजन किया गया है। ममता लांजेवार सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। ममता, इस बैठक में क्या कुछ तय किया गया, किन चीजों पर चर्चा हुई है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है और अलग अलग तरीके से, कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, कहीं पे बैठक की जा रही है और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज लगातार दौरे कर रहे हैं अलग अलग लोकसभा वार। अभी आज जो है वो बीजापुर में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बैठक में बताया कि रणनीति क्या होनी चाहिए लोकसभा चुनाव को लेकर और इसके साथ ही किन मुद्दों को लेकर आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को प्रोटेस्ट करना है, केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो खामियां हैं नीतियों में जिससे काफी नुकसान हुआ है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम मसले हैं जिसको लेकर आने वाले समय में कांग्रेस को प्रोटेस्ट करना है ताकि लोकसभा के पहले माहौल बनाया जा सके और विधानसभा चुनाव के बाद में जो कार्यकर्ता लगातार एक तरह से कहें कि डिप्रेशन में चल रहे हैं, निराशा में चल रहे हैं, तो उनको किस तरीके से उनको एक तरह से रिचार्ज किया जाए। और बीजापुर ही नहीं बल्कि अभी बस्तर में अलग अलग जगहों पे वो बैठक लेंगे, उसके बाद रायपुर और अलग अलग जो 11 लोकसभा है वहां पर बैठकें जो है वो लगातार होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है और इसके साथ ही अलग अलग मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बिरहनपुर हत्याकांड का मुद्दा गूंज उठा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही कई जगहों पर एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज है तो दूसरी तरफ यहां पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। विधायक ईश्वर साहू ने ये मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि जब जन प्रतिनिधि के तौर पर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैंने अपने क्षेत्र की जनता को क्या न्याय दिलाऊंगा। इस पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में इस घटना की सीबीआई जांच की घोषणा की है। तो बिरहनपुर हत्याकांड का अब मामला तेज उठा और इसमें सीबीआई जांच की बात की गई है, इसकी घोषणा सदन में कर दी गई विजय शर्मा की तरफ से, जो कि गृह मंत्री भी और डिप्टी सीएम भी हैं। तो बिरहनपुर मामले में सीबीआई जांच पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि इससे पहले कैबिनेट में ही फैसला लेना था, क्या इन्हें राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं था? सीबीआई जांच हमने देखी है, ये सिर्फ घोषणा ही रहेगी। पहली बात तो ये है, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अभी तत्कालीन डिप्टी सीएम जिसके पास गृह विभाग भी है, बड़े जोर शोर से उठाया था। इसे तो पहली कैबिनेट में उनको डिसीजन लेना था, गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास है, तो क्या राज्य पुलिस पे उनको विश्वास नहीं रहा, सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। और तब जब पीड़ित के पिता विधायक होने के नाते ध्यानाकर्षण लगाया। तो वहीं बिरहनपुर हत्याकांड की सीबीआई जांच की सदन में आज घोषणा तो हुई। विधायक ईश्वर साहू के बेटे की बिरहनपुर में हत्या हुई थी। बिरहनपुर हत्याकांड मामले पर पीड़ित पिता और विधायक ईश्वर साहू ने कहा कि घटना के बाद भूपेश बघेल शक्ल दिखाने तक बिरहनपुर नहीं आए। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार से भी सीबीआई जांच की मांग की थी लेकिन उनकी नीति ठीक नहीं थी। अब सदन में सीबीआई जांच की घोषणा हुई है, अब मैं संतुष्ट हूं। इस दौरान ईश्वर साहू भावुक हो उठे, ये तस्वीर आप देखिए। आप सीबीआई की जांच की मांग में पिछले सरकार से भी मांग रख रहे हो लेकिन पिछले सरकार की नीति ठीक नहीं रही से तो जांच नहीं करे। अभी मैं सदन में ये बात रखे हूँ तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमला आश्वासन दी से
किसी भी आई जांच कराई जाए। आज जाके मोला मोर दिल ला संतुष्ट होइस, आज दिल मोर दिल ला शांति मिलिस। का हो तो भूपेश बघेल का है वो जो वो क्या बात बताई, वो कौन से मुंह से जवाब दी, वो कि उसके कार्यकाल में घटना हुई, वो अपने सकल दिखाने चेहरा दिखाने तक बिरहनपुर में नहीं पहुंचे। बिरहनपुर मामले पर डिप्टी सीएम का बयान आया है और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पूरी हुई है, दोषियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई भी होगी। सदन में उपस्थित हैं, उनके बेटे की हत्या हुई है हम सब जानते हैं, और उसके लिए न्याय की गुहार वो लगातार लगाते रहे। आज गजब संयोग रहा कि मैं भी उस विषय पर वहां तक गया था और आज उन्होंने स्वयं सदन में सदस्य बनकर स्वयं ध्यानाकर्षण लाया और ये कहा कि इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पिता के हृदय के इस दर्द को मैंने क्या पूरे सदन ने महसूस किया और उस पर सीबीआई जांच की उनकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया है। सीबीआई जांच के लिए इस विषय को भेजा जाए। रायपुर नगर निगम का बजट पेश हुआ। महापौर एजाज डेबर ने बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट को पेश किया गया है। कुल 1,901,31,93,000 का बजट पेश किया गया। नगर निगम क्षेत्र में 10 वेंडिंग जोन तैयार किए जाने की बात की गई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्लीन कॉरिडोर का भी निर्माण कराया जा सकता है। इसके अलावा क्या खास है निगम के बजट में, ये हम आपको बता रहे हैं। 7 करोड़ की लागत से कॉरिडोर का निर्माण भी होगा। इसके अलावा 8 करोड़ की लागत से मिनी टाइम स्क्वायर भी बनाया जाएगा। एनआईटी सिटी कोतवाली से जय स्तंभ चौक बनाए जाएंगे टाइम स्क्वायर। लाइट मेट्रो ट्रेन के लिए 500 करोड़ की परियोजना का प्रस्ताव भी रखा गया है। बातें हमने की थी, जो चीज अभी हमने बहुत सारी चीज ऐसे लाई हैं जो युवाओं के लिए है, बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो हमारी बहनों के लिए है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बुजुर्ग। मैंने जो पहली बात बोली थी, और इस बार का जो बजट है कोई भी ऐसा बजट नहीं है जो एकदम हवा हवाई हो, जिसमें हम लोगों को बहुत सोचना पड़े, बहुत ज्यादा जमीन के बारे में सोचना पड़े, बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचना पड़े। हमारे पास पूरा जितने बजट मैंने अभी लाया है ये पूरे के पूरे इसी साल पूरे होंगे, ऐसा पूरा प्रयास किया जाए।